और चलिए बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर विपक्षी पार्षदों की उपेक्षा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान सभी कांग्रेसी पार्षदों के साथ में नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने बेल में आकर की जमकर विरोध किया, साथ ही मेयर और नगर आयुक्त पर भेदभाव के आरोप लगाए। इस कार्यकाल की अंतिम बोर्ड की बैठक में आज बजट भी पेश किया गया है। वहीं अपने वार्डों की उपेक्षा से नाराज अधिकतर पार्षदों ने हंगामा करते हुए कहा कि फायदे के बजाय नगर निगम को 3 करोड़ के घाटे का बजट दिखाया जा रहा है। वहीं बोर्ड बैठक समाप्त होने के बाद मेयर जोगेंद्र रोतेला ने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए बैठक में महत्वपूर्ण फैसले और प्रस्ताव पास किए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बोर्ड बैठक में कुछ भी खास नहीं है, रटा रटाया दो चार चीजें हैं। खास अगर कुछ है तो एक चीज बहुत खास है जो मेयर साहब ने कही है कि तोते की जान राक्षस में होती है और राक्षस की जान तोते में होती है। आज हमें सीखने को मिला हल्द्वानी नगर निगम से कि राक्षस कौन है और तोता कौन है। प्रतिनिधि की पहचान है वो चर्चा करे, स्वस्थ चर्चा करे, पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखे। खाली घोटालों का आरोप लगा देना, ये लगा देना, इससे कोई सहमत नहीं होगा। राक्षस की जान कहीं तोते पे है, राक्षस कहीं बैठा है तोता बोल रहा है, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा सा सीमा को पार कर चुके हैं। उस सीमा को पार करने के कारण थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि उनको विधिक रूप से भी अब मैं थोड़ा सा कॉर्नर करूँगा। किस तरह मतलब सदन की मर्यादा होती है, व्यक्ति की मान होती है, उस मानहानि को लेकर मैं उन पर जल्द ही उनको नोटिस सर्व किया जाए।